फेसबुक के जरिए महिला से दोस्ती हुई, धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, दोस्ती प्यार में बदल गया। युवक महिला से चुपके से कर रहा था शादी। रांची वाली महिला को जब पता चला तो हो गया बवाल। ताजा मामला पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र का है, जहां रांची की रहने वाली शादीशुदा दो बच्चों की मां को पटना के एक युवक से सोशल साइट्स पे दोस्ती हुई। महिला की पहले से शादीशुदा और दो बच्चों की बात पता होने के बावजूद युवक आलोक ने महिला से संबंध बनाए रखा। पीड़ित महिला की मां ने तो पटना के आलोक नाम के युवक से फेसबुक के जरिए मिली, फिर पटना के आलोक और रांची की रहने वाली पीड़िता का मुलाकातों का सिलसिला जारी हुआ। लगभग 3 साल युवक आलोक ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ रहा। पीड़िता के माने तो इस बीच आलोक ने उसे धीरे धीरे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। आरोपी आलोक ने इस बीच पीड़ित महिला को पटना के राजीव नगर फ्लैट में किराए पर रखवाया और वहां रखा। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को आलोक की शादी करने का पता चला, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता आलोक के घर शादी रुकवाने पहुंची, जहां आलोक के परिजन ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल मामला राजीव नगर थाना पहुंचा है, जहां पीड़ित महिला अपने साथ हुए इस धोखे को बताई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस उस पर दबाव बना रही है केस को रफा दफा करने की। वो तो देख ही रहे हैं कितने बार आना जाना करता है, रात भर नहीं रुकता था। ड्यूटी से आता था 7 बजे आ जाता था, उसके बाद 10, 10:30 से 11 बजे तक यही रहता था, वो घर चला जाता था। इस बीच कई एक रात वो यहाँ भी रुका था, लेकिन उसकी माँ को शायद पता चल गया था, तो वो बोल रही थी कि नहीं, घर में झगड़ा होता है इस वजह से चले जाते करके चला जाता था। लेकिन 3-3.5 घंटा ऑफिस से आने के बाद यही रुकता था, उसके बाद घर जाता था। हम चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है उसको उसका इंसाफ मिले, और मेरा जितना भी पैसा मेरा ज्वेलरी लिया है वो सब हमको मिले। पड़ गया, बहुत गलत जगह हम फंस गए। क्या हुआ? पर हम पिंकी शर्मा, वो तो देख ही रहे हैं कितने बार आना जाना करता है, रात भर नहीं रुकता था। ड्यूटी से आता था 7 बजे आ जाता था, उसके बाद 10, 10:30 से 11 बजे तक यही रहता था, वो घर चला जाता था। इस बीच कई एक रात वो यहाँ भी रुका था, लेकिन उसकी माँ को शायद पता चल गया था, तो वो बोल रही थी कि नहीं, घर में झगड़ा होता है इस वजह से चले जाते करके चला जाता था। लेकिन 3-3.5 घंटा ऑफिस से आने के बाद यही रुकता था, उसके बाद घर जाता था। हम चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है उसको उसका इंसाफ मिले, और मेरा जितना भी पैसा मेरा ज्वेलरी लिया है वो सब हमको मिले। पड़ गया, बहुत गलत जगह हम फंस गए। क्या हुआ? पर हम पिंकी शर्मा थाना, हम यही लोग केस कर, उल्टा मारपीट करके और केस कर दिया था, तो थाना वाला आया और हम लोग को लेकर गया। वहां गए ऐसे ही बहुत देर तक, हम दर्द से पूरा कांपते रहे, कोई एक बार पूछा नहीं हम लोगों से कि हुआ क्या है, क्या मामला है, कुछ नहीं। ये लोग को देख रहे हैं कि बैठ के, ये लोग जो भी थाना प्रभारी थे या कुछ भी बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े बाबू से बात कर रहे हैं, कुछ लोग और इधर उधर जो लोग थे थाने में उनसे बात कर रहे थे, और हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय तो हम एकदम मरने के हाल में थे, तो हम बोल भी नहीं पा रहे थे, और बच्चा लोग भी मेरा कुछ भी बोलने के लिए बोलता तो चुप करा दिया जा रहा था। हमको नहीं लगता कि ये लोग किसी तरह का एक्शन लेंगे। आज भी हम सुबह से जाकर 1.5-2 घंटे बैठे रहे, लेकिन किसी का कोई उस तरह से रिस्पांस नहीं देख रहे थे कि ये लोग मेरा बात सुनेंगे और मेरे लिए कुछ करेंगे। इतना कुछ जानते हुए भी ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। सबको उस उधर साइड का जो आलोक का दोस्त लोग था, वो लोग जा रहा है बार बार मिलके आ रहा है, वो लोग क्या क्या सिखा क्या रहा, हमेशा वही लोग का बात सुना जा रहा था। हम लोग से कुछ भी अभी तक पूछा नहीं गया है, तो हमको नहीं लगता कि हमको ये लोग इंसाफ दिलाएंगे या मेरा कोई बात सुनेंगे। वो मेरे साथ 3 साल से रिलेशन बना रहा है कि हम शादी करेंगे, और फिर अभी बीच में बोल रहा है कि दूसरे से शादी करेंगे। हम कैसे ये होने दें कि किसी के साथ 3 साल रिलेशन बनाया है और अब वो किसी और के साथ शादी करे? तो ये इस चीज को रोकने के लिए हम जब ये आगे आए हैं, तो सब मिलके उसका पूरा फैमिली मिलके हमको मारा है कि तुम मेरा शादी तोड़वाएगी, हम तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, जिस अपार्टमेंट में आप रहती हैं, यहाँ वो आते हैं कौन नाम से उसको पहचानते होंगे? सब कोई आलोक नाम से ही जानता है, ऐसे घर का नाम उसका सन्नी है, लेकिन ऐसे बाहर में लोग आलोक नाम से ही जानता है उसको। लोग आपसे
हाँ, जैसे बगल वाली सब जानते हैं कि ये इसका हस्बैंड है। सारे लोग अपार्टमेंट के इसका मेरे हस्बैंड के नाम से ही उसको जानता है और हमेशा आता जाता है, मतलब पर डे।